सियासी घमासान के बीच पीएम ने क्यों किया देवगौड़ा को फोन? क्या पीएम मोदी जेडीएस प्रमुख देवगौड़ा पर डोरे डाल रहे हैं? कर्नाटक में सत्ता के लिए बीजेपी और जेडीएस के बीच सियासी तल्खी चरम पर है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर पूर्व पीएम और जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी, जिसके बाद से ही सियासी अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के 84वें जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने फोन कर उन्हें न सिर्फ बधाई दी बल्कि उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना भी की। देवगौड़ा से फोन पर बात किए जाने का जिक्र भी पीएम मोदी ने अपने एक ट्वीट के जरिए किया, जिसमें उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री श्री एचडी देवगौड़ा जी से बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच जारी सत्ता की लड़ाई के बीच पीएम मोदी के देवगौड़ा को फोन करने की खबर सामने आई। सियासी गलियारे में इसे देवगौड़ा पर डोरे डालने के तौर पर देखा जाने लगा। आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जेडीएस का प्रमुख चेहरा होने के साथ साथ राज्य के सबसे बुजुर्ग नेता भी हैं। इससे पहले भी कर्नाटक चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने देवगौड़ा की तारीफ की थी। इसके बाद देवगौड़ा ने भी नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़े थे। माना जा रहा था कि चुनाव नतीजों के आने के बाद जेडीएस और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने आपस में हाथ मिला लिया, जबकि मुख्यमंत्री की शपथ बीजेपी के येदुरप्पा ले चुके हैं और उनके सामने बहुमत साबित करने की सबसे मुश्किल चुनौती है। यही वजह है कि पीएम के इस पहल के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।